माई मेरे श्याम लगो संग। और कार्तिकी पूर्णिमा को, रास पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, और ये बहुत लंबे समय के बाद एक ही पक्ष में दो ग्रहण पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमने ऐसा प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि इस बार जो दोनों ग्रहणों का योग है वो हजारों वर्ष के बाद ऐसा ग्रहण, ऐसा योग पड़ा है। मैंने ऐसा समझे कि भगवान के अवतार काल में ऐसा योग हुआ था, उसके बाद अब यह योग आया। हम तो भूल गए हैं, पूज्य रमण ऋषि वाले महाराज जी तो कई उदाहरण देके बता रहे थे कि ये इनमें विशेषताएं हैं, इन एक पक्ष में दो ग्रहण और दो ग्रहण में भी ये वैशिष्ट्य है। ग्रहण का काल अक्षय पुण्य काल होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा, सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता ग्रहण काल में। सामान्य कुआ बावड़ी सरोवर आदि का जल, फिर साक्षात श्री यमुना जी मिले, साक्षात श्री गंगा जी मिले, तब तो कहना ही क्या है। और सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के तुल्य हो जाते, ऐसी ग्रहण काल की महिमा है। और महाराज जी धर्म संघ वाले गुरु जी उदाहरण देके बोलते थे कि ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक आप यदि पवित्र जल में स्थित होकर जिस मंत्र का जप करेंगे उस मंत्र का सविधि पुरुषण संपन्न हो जाएगा। अब वर्तमान समय में सविधि कोई पुरुषण संपन्न होवे इसमें बड़ी कठिनाई है युग धर्म के कारण। तो कितना अद्भुत दुर्लभ क्षण भगवान के अनुग्रह से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि स्पर्श से लेके मोक्ष तक सर्वथा मौन हो करके पहले से ही आहार आदि का संयम करके, जिसमें बीच में शारीरिक वेग के कारण उठना न पड़े, और ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक, हाँ शरीर के किसी में अस्वस्थता है और वो जल में बैठने में समर्थ नहीं तो जल के निकट बैठ जाए, क्योंकि मूल तो बात है भगवान का स्मरण करना, और नहीं तो मंत्र अनुष्ठान की बात तो है ही है, नहीं तो दास तो यही करता है प्रायः है, और स्थान में भी ये होता ही है। ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक सब बैठ जाओ, जिसको मंत्र जप करना हो वो करे, जब किसी को मनाही नहीं है, और बाकी जो लोग हैं सब बैठ करके महामंत्र का कीर्तन करें। स्पर्श से लेके मोक्ष तक उठना ही नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, महामंत्र का संकीर्तन करो। नास्य विधि रीति, तो महामंत्र का भी पुरुषण हो जाएगा, और इससे बढ़िया और क्या है। तो इस प्रकार से जो मंत्र जप करना करने के अभिलाषी हैं वे मंत्र जप भी कर सकते हैं, साधन भी करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम नाम संकीर्तन तो उस समय में करना ही चाहिए। तो ग्रहण काल की बड़ी महिमा है, चंद्र ग्रहण की विशेष महिमा काशी की है, और सूर्य ग्रहण की महिमा कुरुक्षेत्र की। माई मेरे श्याम।